हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुरेंद्र से ब्लॉग में। आप लोग के बीच एक बहुत बढ़िया रेसिपी लेकर आया हूँ। प्योर वेज है और बैगन में भी है। स्किन में प्रॉब्लम होते हैं जैसे पनीर खाने से, दही खाने से, दूध खाने से, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर आप लोग इसको ट्राई करिएगा। कच्चे केले का पनीर बनाने वाले हैं आज हम। हमने 4 पीस कच्चे केले ले लिए। केले को हमने चाकू से पील कर लेंगे। पील करने के बाद इसको पानी में डाल देंगे। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो एक काला होने लगेगा, इसलिए आप उसको पानी में डालिए। केला और आलू एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको छील के बाहर छोड़ेंगे तो काला होने लग जाएगा, इसलिए पानी में डालिए। और मैंने एक गमला में पानी लेके रखे हैं, उसमें डाल दे रहे हैं। और डालने के बाद मैं इसको कटिंग कर लेंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से छील लेना है ताकि जो छिलका है वो छिलका ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन होगा तो फिर वो कलर आपका ग्रीन आ जाएगा पनीर को जो आप बना रहे हैं। और इस पनीर का नाम है टुफू पनीर, जो बैगन है प्योर एकदम बैगन है, जिसको स्किन का प्रॉब्लम होता है वो आप इसको बना के ट्राई करिए और खाइए। आपका पनीर खाने का मन है तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा घर पे आसानी से। इसको बनाने के लिए मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा और आप बड़े आसानी से घर पे बना लेंगे। और मैं इसको थोड़ा पतला पतला स्लाइस कटिंग कर ले रहे हैं ताकि इसका पेस्ट बनाना है हमको, तो ज़रूर आप इसी तरीके से करिएगा। नहीं तो मोटा भी काटिएगा तो मिक्सी में पेस्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा पीनट है, इसको थोड़ा पाउडर करके इसी में हम मिलाएंगे ताकि खाने में बहुत अच्छा लाजवाब लगेगा पनीर, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। पूरा बारीक पाउडर किया हुआ है। तो मेरा ये 50 से 60 ग्राम था मूँगफली दाना, इसको छिलका छुड़ाया हुआ था। और मैं इसके अंदर केला डाल रहा हूँ। अगर आपको पनीर खाने का ओरिजिनल टेस्ट है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं ताकि अच्छा टेस्ट लाएगा और वाइटनेस भी लाएगा। लेकिन हम प्योर टोफू पनीर बना रहे हैं, जो जिसको स्किन का प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख के और बनाइएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो अब इसको मैं पेस्ट बना लिए हैं। और पेस्ट बनाने के बाद इसको एक गमला में खाली कर लेंगे। देखिए इसी तरीका से स्मूथ बेटर होना चाहिए, एकदम पूरा थिकनेस और फाइन होना चाहिए। आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हल्का ऐड करना है ताकि ज़्यादा पतला ना हो और गाढ़ा भी रहे। और इसको खाली करके लेंगे एक गमले में। खाली करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट और थोड़ा स्पंज हो, ताकि खाने में नरम और मुलायम लगे पनीर की तरह। तो ज़रूर आप इसको डालिएगा, और नहीं तो आप इनो भी डाल सकते हैं, इनो से और भी स्पंज होगा। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मैं इसको स्टीम करेंगे। इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में पानी बैठा के रखे हैं ताकि जल्दी हो जाएगा। उससे पहले मैं एक थाली लेगा, थाली में थोड़ा सा हम बटर लगा लिए, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं घर पर। और इसको चारों तरफ से फैला लेंगे। फैलाने के बाद में इसको हम स्टीम पर ले जाएंगे। स्टीम पर 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में लो फ्लेम में हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीका से हमने खाली कर लिया। खाली करने के बाद ऊपर से स्लाइड करके पनीर की तरह चिकना कर लेंगे ताकि एकदम शाइनिंग आ जाए, देखने में अच्छा लगे। देखिए कितना शानदार लग रहा है, बेटर अभी देखने में। और ये मेरे फ्राई पैन रेडी है, उस पर से एक गमले से हम ढक्कन कर लेंगे। आपको जो भी बर्तन में बनाना चाहते हैं आप बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए गैस का फ्लेम मीडियम में होना चाहिए ताकि 12 से 15 मिनट लगे इसमें, और बीच बीच में चला कर नहीं देखना है इसको। और देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। और इसका चेक करने का तरीका, इसमें चाकू घुसा के और निकालिए ताकि पता चले ये हुआ कि नहीं। अगर चाकू में चिपक रहा है तो समझिए अभी नहीं हुआ है। और ये देखिए मेरा हो चुका है, 15 मिनट हो गया, बहुत आसानी से बन गया और बहुत फ़ायदेमंद है कच्चे केले का पनीर। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, ये ऑथेंटिक है। और हाँ, ये एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, जो कि मैंने जिस फ्राई पैन में पानी बैठाया था उसका अंदर एक बॉल रखा हुआ था, यानी छोटा कटोरी रखा हुआ था, उसके ऊपर थाली मैंने रखा था, डायरेक्ट पानी में नहीं रखा था। डायरेक्ट पानी में रखेंगे तो आपका गमला में या तो थाली में जिसमें आप बैठा रहे हैं उसमें पानी आ जाएगा, इसलिए आप ज़रूर उसके अंदर कुछ डाल के उसका ऊपर स्टैंड लगा लीजिए। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरा रख के उसका ऊपर करिए, उसके बाद ढक्कन लगा के स्टीम करिए। और देखिए मैं पनीर का कटिंग कर रहा हूँ, मेरा जल्दी जल्दी में था, इसलिए अभी रात को 12 बज चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। तो मैं अभी तुरंत इसको बना रहा हूँ गरम गरम में। तो आप इसका मैं ग्रेवी भी बताऊँगा बनाने के। और देखिए पनीर बहुत बढ़िया रेडी हुआ है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। स्पंज भी है। और मैं कोई सा एक ग्रेवी मार लेते हैं पनीर मसाला का, उसमें इसको हम डाल के दिखाएंगे कि टूटेगा नहीं और बहुत आसानी से भी बन गया। बैगन है प्योर बैगन, तो आप इसको घर पे भी ट्राई करिएगा। या अगर ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को नया मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये कच्चे केले का पनीर बहुत अच्छा चीज़ है और टुफू पनीर है इसका नाम। तो थैंक यू। देखिए मैं 2 आदमी के लिए अभी फ़िलहाल बनाया हूँ खाने के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास ज़रूर पहुँचे।